ये देखिए सामने का व्यू दोस्तों। वेलकम बैक, मुशर्रफ अली खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों? एक नया दिन, एक नया सफ़र। और दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ अज़ीज़िया जुनूबिया, जहाँ पर इंडियन हाजियों की बिल्डिंग है। उन बिल्डिंगों के आसपास जो किराने की दुकान है वो मैं आपको किराने की दुकान सारी दिखाऊंगा। और आपको जो लोगों ने वीडियो दिखाई है दूसरे यूट्यूबरों ने कि आप मक्का मॉल जाइए, हाइपर पांडा जाइए, बिंदा जाइए, रोड के उस पार, तो आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्डिंग के आसपास आपके जो किराने की दुकान है वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी खाने पीने की। आपको दालें चाहिए, मसाले चाहिए या सब्ज़ी वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी दोस्तों। ये मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चलिए मैं एक करके आपको दुकानें वहाँ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ये देखिएगा सामने का व्यूज़, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हरम के पास ये सामान रोड के सामने ही बिक रहा है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। देख रहे हैं आप चारों तरफ। देखिए हम आ गए बस स्टॉप पर, जो मक्का बस सर्विस है, और इस मक्का बस सर्विस से हम बैठ कर इंशाल्लाह जाएंगे अज़ीज़िया जुनूबिया के लिए। ये बस स्टॉप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह। और अभी बस आने वाली है, उसके साथ में हम जाएंगे। ये बस आ गई है, आप देख रहे हैं हमारे सामने, इसी बस में इंशाल्लाह हम बैठ कर जाएंगे दोस्तों। ये देख लीजिएगा, पीछे बैठेंगे हम इंशाल्लाह इसके अंदर। दरवाज़ा खुलेगा, चलिए तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ से जाएंगे अज़ीज़िया के लिए इंशाल्लाह। हमारा भाई देखिए क्या लगा है, ये देखिए फ्री में हेल्प कर रहा है, देख रहे हैं आप, तो फ्री सर्विस है समझ लीजिए आप। तो बस के अंदर हम बैठ चुके हैं, ये बस हमारी चलती है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। टनल है, टनल के अंदर एंट्री कर जाएगी दोस्तों, ये देखिएगा। ये देखिए ये रोड के बाहर का नज़ारा है, कितना खूबसूरत है। और आप देख रहे हैं पेड़ वगैरह जो है लगे हुए हैं, खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर सा माशाल्लाह लग रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, ये देखिएगा। बस से हम उतर गए हैं और हम करेंगे रोड क्रॉस और आ चुके हैं अज़ीज़िया दोस्तों। देखिए ऑटो भी खुल गया है और सामने आप देख रहे हैं सनी सुपर मार्केट है, तो यही किराने की दुकान है आपके लिए, जूस दालें जो भी है, देख रहे हैं सुपर मार्केट, यहाँ से अंदर जाइएगा आप जो भी चाहते हैं। सामने देख रहे हो बकाला है और देखिए उस साइड में भी है, लेकिन मैं आपकी आगे की तरफ भी दिखाऊँगा। देखिए जो भी आपके लिए चाहिए सामान आप इसमें जाइएगा, आप खरीद सकते हैं। चलिए पहले मैं आगे का नज़ारा दिखाता हूँ आपके लिए। ये बकाले को किराने की दुकान करते हैं, देख रहे हैं इस तरीके की दुकानें आपको हर जगह मिल जाएंगी। ये देखिए हाजी वगैरह खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, जो भी सामान चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। बकाला यहाँ पर ही लिखा हुआ बकाला, ये भी किराने की दुकान है जी। जा नमाजें टोपी वगैरह देख रहे हैं आप, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा दुकानों के अंदर। आप सामने भी दुकानें खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट भी खुला हुआ, कपड़े की दुकान है, नाइक की दुकान है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 रियाल 3 रियाल हर माल लगा हुआ है, हर माल पे लिखा हुआ है 2 या 3 रियाल का, देखिएगा इस पर रेट पड़ा हुआ है, आप ले सकते हैं। इस साइड में देख रहे हैं पूरी यहाँ पर दुकानें हैं सामान खरीदने की, जो भी चाहे आप खरीद सकते हैं। ये देखिएगा, देख रहे हैं आप, हर चीज़ आपके लिए मिलेगी, हर जगह जो है हाजी सामान वगैरह अपना खरीद रहा होगा। और चलिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल ख़ास जगह पर लेकर चल रहा हूँ। देखिए कपड़े की दुकान है, तस्वीर की दुकान है, सामने देखिए किराना की दुकान है, आप देख रहे हैं बकाला, हर जगह आपके लिए मिलेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अगर आप मस्जिद बिन महफूज के पास हैं अज़ीज़िया में, आपको खाने पीने की हर चीज़ जो भी चाहोगे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए बस बिल्कुल ये मस्जिद बिन महफूज के पास का नज़ारा है, ये मस्जिद बिन महफूज है, आप देख सकते हैं।
जो भी अगर आपको चाहिए सामान यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा माशाल्लाह। ये मैं आपको बता दूँ, देख रहे हैं आप, ये पूरा यहाँ पर सामान वगैरह वगैरह, फ्रूट है, सब्जी है, दाल जो भी चाहिए आपके लिए यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। देखिए सामने भी दुकानें हैं और आप आ जाइए नमाज़ पढ़ने। तो जब आप आओगे यहाँ पर मस्जिद के अंदर तो आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। ये मस्जिद बिन महफूज है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आलू है, प्याज है, मिर्च है, देख रहे हैं आप, करेला रखा हुआ है, सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पर माशाल्लाह। देखिए इधर सेब केला वगैरह रखा हुआ है, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। जान नमाजा वगैरह बिक रही है। चलिए सामने सब्जी वगैरह बिक रही है, जो भी आपको चाहिए देख रहे हैं आप, सब्जी पूरी लाइन से बिक रही है दोस्तों। जो सब्जी वगैरह चाहिए आपके लिए आप ले लीजिएगा, खरीद सकते हैं। देख रहे हैं आप, लौकी, मिर्च है, गोभी जो चाहिए वहाँ से वहाँ तक ही देखिएगा, किसी चीज़ की सब्जी की कमी नहीं रहेगी यहाँ पर। देख रहे हैं आप, प्लेट में भी देख लीजिएगा पूरा बिक रहा है, पूरा हर जगह जो है आपको देख लीजिए, जो भी सब्जी, केला, सेब, फ्रूट जो भी चाहिए आपके लिए हर चीज़ मिलेगा यहाँ पर। ये आ गई बिक रहा है, ये सब मस्जिद बिन महफूज के पास है माशाल्लाह। रोड पर टोपी वोपी वगैरह जो भी देख रहे हैं आप, सब कुछ यहाँ पर बिक रहा है, आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। और आज ये सामान वगैरह खरीद रहा है यहाँ पर, गाड़ियाँ लगी हुई हैं सामान की, आप देख सकते हैं। फूल, केला, आलू, सब्जी बिक रहे हैं हर जगह, जो चाहिए आपको सामान मिलेगा दोस्तों। ये खजूर भी बिक रही है, खजूर वगैरह देख रहे हैं आप। अरे खजूर टेस्ट कर लूँ, देखिए खजूर हम टेस्ट कर ले रहे हैं, खजूर देख रहे हैं लग रही माशाल्लाह। हर चीज मिल रही माशाल्लाह यहाँ पर, जिधर साइड भी जाओगे आपके लिए दुकान खाने पीने की आपको मिलेगी बेतकल्लुफ। आप रेट पूछकर आप सामान खरीदें। देखिए साइड में भी आप देख रहे हैं, पूरे में हर चीज़ मिलेगी आपके लिए। और सामने इस ब्लू कलर की बिल्डिंग में 8-10 दुकानें हैं, शॉपिंग की जो भी चाहिए आप खरीद सकते हैं। ये देख लीजिए, आप देख रहे हैं सारी दुकानें। सामने ब्रांच 1 है, उधर बस स्टॉप है, यहाँ पर जो है हमारी एक से मुलाकात करनी है। हिसाब से इकबाल साहब से ये खड़े हुए हैं, इनसे अभी मुलाकात हमारी हो गई है, थोड़ा सा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और सब खैरियत है इकबाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा लगा भाई मक्के माँ को उम्रा मरा हो गया, सब खैरियत है? बहुत सुकून से। नवेद भाई ने बोला था भाई इकबाल भाई आ रहे हैं 27 बिल्डिंग के अंदर, मुलाकात जरूर कर लेना। और सब बढ़िया रहा, बिल्डिंग बिल्डिंग सब सही है, बढ़िया माशाल्लाह। चलो अब आपको हमने नंबर दे दिया आएगा, कोई भी दिक्कत वगैरह परेशानी हो तो आप मुलाकात करिएगा हमसे इंशाल्लाह। नहीं कोई बात नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है इंशाल्लाह। और जब भी आप आएँ तो हमारी हरम पर मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। इकबाल साहब से हमारी मुलाकात हो गई है, और 2010 में हमारे नवेद भाई आए थे यहाँ पर एडमिशन के थ्रू, HA की पोस्ट पर आए थे, ये उन्हीं के ही दोस्त हैं, और ये हैदराबाद से आए हुए, तो माशाल्लाह हमारी इनकी मुलाकात हो गई है। नवेद भाई देख लीजिए, 27 बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं हम, और इसमें डिस्पेंसरी भी है, ध्यान रख लीजिएगा। चलो बाकी सब खैरियत इकबाल भाई, सब बढ़िया है, ठीक है। जब भी हरम पे आओ तो इंशाल्लाह मुलाकात जरूर करेंगे, ठीक है ना। देख रहे हैं बकाले सब चीज़ आपको, सब्जी वगैरह सब कुछ मिलेगा माशाल्लाह। देखिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए फ्रूट भी रखे हैं, फ्रूट चाहिए फ्रूट भी ले सकते हैं आप। हाँ जी सामान वगैरह खरीद रहे हैं दोस्तों, आप किसी भी किराने की दुकान में आप
जाइएगा, आपके लिए दालें भी मिलेंगी, सब्ज़ी भी मिलेगी, मसाले भी मिलेंगे, और आप उसका रेट पूछ कर तभी ख़रीदें। और आपके आसपास बिल्डिंग के आसपास आपको किराने की दुकानें काफ़ी मिल जाएंगी, शॉपिंग की भी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ नमाज टोपी वगैरह जो भी अगर आपको ख़रीदना है आप उसका कीमत पूछ कर तभी ख़रीदिएगा। ये मैं दिखाया, और अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ किराना की दुकानें और शॉपिंग की दुकानें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये इधर जो है मक्का मॉल है, या हाइपर पांडा है, या बिंदाउद है, रोड के उस पार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत महंगी चीज़ मिलेंगी, आपको पसंद भी नहीं आएंगी, और रास्ता भी आप भटक जाएंगे, इसलिए आप अपने एरिया में अपनी बिल्डिंग के पास अपनी ब्रांच के आस पास ही रहो। सिर्फ आप नमाज के लिए मस्जिद हरम में जाएँ और अपनी सेहत का ध्यान रखें, यही मेरा आप लोगों से कहना है दोस्तों।